कलर देख के आपको ऐसा लगेगा। भाई लोग देख सकते हो अपने अखिलेश भैया अभी तड़का बड़का वगैरह मार रहे हैं। ये हमारे जो स्पेशल थाली लेकर के चल रहे हैं, भगवाने की थाली लेकर। भैया बढ़िया शूटिंग करवाते हुए और बोल रहे हैं कि यहाँ का माहौल मंजर दिखाओ। दोस्तों हम लोग आर्मी कैंप के अंदर साइड में, लेकिन ये पार्किंग एरिया है, तो पार्किंग एरिया में वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में चार गाड़ी, मतलब तीन गाड़ी और खड़ी हुई है और चौथी अपनी हुई, तो चार गाड़ी मिलाकर इधर खड़ी हुई है। तो सभी लोग भर रहे हैं हम लोग आमला के लिए। कुछ वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का मैं नाम वगैरह नहीं ले सकता हूँ वीडियो में, ठीक है ना। तो बढ़िया एंजॉय करो यार, बहुत ही मज़े आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि दो हम दो इस गाड़ी पे, दो इस गाड़ी पे, दो उस गाड़ी पे, तो आठ बंदे हो जाएंगे कुल मिला करके। तो ये आठ बंदे क्या ही कर सकते हैं वो आप लोगों को आगे चल के देखने। लोगों की चाय बन रही है, उसके बाद बनेंगे पोहे। तो भैया जी अपना परिचय देते जाइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है अपना, बता रहा हूँ। बोलो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? मेरा नाम अखिलेश सवार है। कहाँ से हैं? सनावत, इंदौर से 70 किलोमीटर आगे मेरा गाँव। ओके, और आप भैया जी? नाम तो बोलो। मानसिंह आप उनके इधर के? मैं महाराष्ट्र के हूँ, धारली साइड के। नाम है मेरा राहुल। अच्छा अच्छा, और अपने भाईजान? भाईजान सलामत। तो भाई साहब अभी पोहे वगैरह भी खा रहे हैं। सनावत से, नाम गुरमीत है। नाम गुरमीत है। फिलहाल ये अपनी चारों गाड़ी लाइन पे लगी हुई है, ठीक है ना। चारों गाड़ी के उस्ताद, कंडक्टर, ड्राइवर, सभी लोग मस्ती के साथ इधर पर कुछ बनाएंगे खाएंगे। भाई लोग देख सकते हो अपने अखिलेश भैया अभी तड़का बड़का वगैरह मार रहे हैं। एंड मैंने ये जो बिजी होती है ना, ये अभी सेकी है। एंड भैया तड़का बड़का मारेंगे, इसमें मसाला वसाला डालेंगे। पोहे अपन लोगों के थाली कटोरे वगैरह रख दिए गए हैं, क्योंकि अभी नाश्ता होना है। ये देखो भाई, पोहे का कलर देखो और पोहा किस तरीके से बना है, ये सभी भाई लोग बताएंगे आपको टेस्ट वगैरह करके। चड्डे वाले भैया आ रहे हैं, चड्डा। ये है हमारे जो स्पेशल थाली लेकर के चल रहे हैं, भगवाने की थाली लेकर। तो चल रहा है बारिश का मौसम और हमारे पाजी जी साथ में हैं एंड मैं हूँ, और ये हमारे भाई लोग कुछ सामान वगैरह लेकर के आ रहे हैं। ये मराठी भाव एंड अपने एमपी के भाव। ओहो देखो भाई क्या लेके आ रहे हैं, ये गंदी चीजें लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए अपने भाई लोग, सभी लोग जुटे हुए हैं, है ना। और अपने भैया लोग भी मार्केटिंग करके आ गए हैं, हमने भी मार्केटिंग की। चिकन वगैरह बन रहे हैं, मसाला वगैरह तैयार हो रहे हैं, ये सभी लोग भाई लोग जुटे हुए हैं। एंड चिकन बनाएंगे हमारे अखिलेश भैया बनाएंगे या कि तो मैं बनाऊंगा, एक बार खा के देखेंगे बोल रहे हैं हमारे भैया। खा के देखना एक बार। हमारे भैया चिकन लेकर के रेडी हैं अपने भैया, ठीक है। यहाँ पर रेसिपी का काम पूरा चल रहा है, तो आज स्पेशल चिकन बनेगा और हमारे अखिलेश भैया बनाएंगे, जो कि कुकिंग में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अखिलेश पवार जी अपने बैतूल के पास में, खंडवा के पास में, सनावत के पास में, बासवा गांव, सनावत के पास में, बासवा गांव। ओके ओके, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। चल दोस्तों अपन लोग ये चिप्स निकालेंगे, इंडिया फिंगर चिप्स निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में चिकन का काम चालू होगा। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हम लोग, ये डाला के पास में, मतलब डाला के अंदर ही बैठे हुए। 2018 मॉडल गाड़ी है। अगले पवार भैया की। मसाला वगैरह हमने खाली कर दिया, टमाटर डालने का है। एंड ये चिकन, ओहो हो देखो भाई, कलर देख के आपको ऐसा लगेगा कि खाने का मन करेगा। यदि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ओनली फॉर वेजिटेरियन है, फिर भी आपकी इच्छा होगी कि ये जो अपना लस्सा है ना, ये आप लोग चख लें। बहुत ही जबरदस्त वाला आज टेस्ट मिलने वाला है। रोटी बताओ। और रोटी देखो, इतनी सारी रोटी बनाई है भाई, कितनी सारी रोटी, मान के चलो कम से कम 40-50 रोटी बनाने वाला। ये हमारे भैया ने और ये भैया ने, इन दोनों भैया ने मिलकर के रोटी बनाया है। एंड तीन चार लोगों ने मिलकर के कटिंग करी है। एंड चिकन मैंने खुद अकेले ही बनाया है। ये भैया का नंबर था, इन भैया को बनाना था अखिलेश भैया को, लेकिन इन लोगों ने बदमाशी कर दी। चलो देखते हैं अभी, कल मॉर्निंग में देखते हैं, अभी एंजॉय चल रहा है इन लोगों का। तो अभी अपने राजू वारे जी चिकन खाएंगे, एक नंबर चिकन बनाया भाई। टेस्ट कैसा है? एक नंबर है ना, कैसा टेस्ट लग रहा है भाव? भाव एक नंबर क्या?
मैं तो ये पोटे का दीवाना हूँ, ये यूनिफॉर्म में पोटे पोटे ही खाता हूँ। तुम बाद में बैठो, ये देखो ये पोटे ही पोटे खाता हूँ मैं। फिर से गाइस सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, और मिलिए हमारे सभी भाई लोगों से। ठीक है, अंदर में यहाँ पर अभी नाश्ता बनाया जा रहा है, रोटी का चूरमा बनेगा, वो रोटी का चूरमा दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अपने भैया जी बना रहे हैं इधर पे, तो चलिए इनको थोड़ा सा गहराई से अपन लोग कैप्चर करते हैं डाली के अंदर। जिस डाली के अंदर कल हम लोगों ने एक रेसिपी बनाई थी ना स्पेशल चिकन, वहीं पे बनाया जा रहा है। ये भगोना तिरछा करके दिखाओ भाव, ये लो। ये देखो भैया, ये बन रहा है रोटी का चूरमा, बहुत ही ज़बरदस्त वाला टेस्ट आने वाला है चूरमा में। तो हम सभी लोग मिल करके बैठ करके खाएंगे, और हमारे भैया जी स्पेशल तरीके से बना रहे हैं। गाइस रोटी का चूरा हमारा कुछ इस तरीके से हुआ है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। अपने भाई जी का, राजू भाई का अपना थैंक्स है ना, बहुत बढ़िया टेस्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी है, चलेगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग मौजूद हैं, ये डिफेंस फैक्ट्री दिख रही है, डिफेंस के बाहर में हम लोगों की गाड़ियां अंदर खड़ी हुई हैं, और हमको सलाह दी है बाहर। मैं हूँ, पाजी हैं, और अपने लखन पाटिल भैया, और सभी हमारे दोस्त लोग भाई लोग यहीं पर आज रात बिताएंगे। और बताओ लोगों, तुम बता दो कि हमारी 20-20 लाख की गाड़ी, हम क्या हम बाहर सोने आए क्या? आप बताओ, बताओ भाई, बात सही है। दोस्तों हम लोग गाड़ी वगैरह लेकर के निकल चुके हैं आर्मी कैंप से, इसके अंदर हमारे बॉम्ब भरा हुआ है। ये देखो ये खड़ी अपनी गड्डी, और ये अपने सेना जवान लोग, एंड भैया जी चाय वाय वगैरह पीते हुए अब हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे आगे चल के? चाय तो पी लिया ना, नाश्ता करेंगे। चलिए दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं हमारे सरदार जी के पास में, सरदार जी की गाड़ी वगैरह भी यहीं पर खड़ी हुई है, अपनी गाड़ी दे रहे। अपन ने अभी चाय वगैरह कर लिया, नाश्ता तो पहले ही कर लिए थे, नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है। अभी ये तीन गाड़ियों में डीजल वगैरह डल रहा है, एंड डीजल जैसे ही डल जाएगा फिर उसके बाद चलेंगे अपन लोग। तो दे रहे हमारे सरदार जी चंगा। अरे कितना डीजल डला रहे हो? फुल टैंक करवा रहा है। फुल टैंक। दोस्तों हम लोग जबलपुर वाली घटिया चढ़ रहे हैं, जो कि लखनादौन और मंडला के लिए रोड जाती है। तो भैया मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है भाई। और इधर पे साइड में बंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे बंदर हैं, है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, नज़ारा एक नंबर है। ये लीजिए भाई लोग, नज़ारे की सैर करिए, क्या बढ़िया नज़ारा है। अपने भाई साहब लोगों की गाड़ी चल रही है आगे पीछे मजे के साथ में। हॉर्न सुनाऊं क्या? सरदार जी अभी घबरा के बेहोश होने वाले रहे अभी। सरदार जी गड्डी चल रही है, और की बोलते साहब? सरदार जी जो बोले सोनियाल। फिलहाल दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आमला एयरफोर्स, और चारों गाड़ी एक साथ ही जा रही हैं, तीन गाड़ी आगे हैं, एक हम हैं, एंड हमारे पीछे मिलिट्री है, और आगे वाली गाड़ी में भी मिलिट्री बैठी हुई है। हमारे इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। तो आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को लास्ट तक देखा तो धन्यवाद। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखो, और अपने घर में सभी लोगों का। दोस्तों हम लोग आमला फैक्ट्री के पास में पहुंच गए हैं, गेट पास बनवा के भी फिर अंदर की ओर जाएंगे।